हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 1974 में हुई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम की है जो खेली गई थी हुई पॉइंच और मिखाइल टाल के बीच में। फ्रेंड्स, वैसे तो मिखाइल टाल की गेम इतनी आसान नहीं होती समझना, लेकिन खासकर ये गेम अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। यहाँ मिखाइल टाल ने आखिर पता नहीं किस तरह से कैलकुलेट किया था इस गेम को, आप खुद ही ज़रा यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ लालू बहालिया भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी अच्छी इतनी बेहतरीन गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की हुई वंश ने e4 के साथ, तो टाल ने रिप्लाई दिया सिसिलियन डिफेंस से c5, देन नाइट f3, देन d6, d4, c takes d4, knight takes d4, देन नाइट f6, knight c3, देन a6, सिसिलियन डिफेंस, नजर ऑफ वेरिएशन bishop c4 e6, तो bishop b3, देन b5, Queen e2, bishop e7, then bishop e3, black castles f3, तो bishop b7, और यहाँ white ने कैसल किया लेकिन लॉन्ग साइड, knight at b goes to d7, then g4, knight c5, तो g5 knight पर अटैक, तो ये knight वापस d7 square पर। और फ्रेंड्स, यहाँ आप गेम की पोजीशन को देखिए, white का अटैक भी यहाँ काफ़ी स्ट्रांग है। white ने अपने pawns को ब्लैक के किंग के काफ़ी नज़दीक पहुंचा दिया है, वहीं ब्लैक ने भी अपने पॉन्स को आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। फिलहाल मूव वाइट का है तो उन्होंने यहाँ किया h4, तो रुक c8, देन किंग b1, b4 नाइट पर अटैक, तो ये नाइट a4 स्क्वायर पर, knight takes a4, bishop takes a4, देन knight c5, बिशप पर अटैक, और अब ये बिशप वापस b3 स्क्वायर पर। और अगर यहाँ ब्लैक करे knight takes b3, इसी पॉइंट पर नाइट और बिशप को ट्रेड ऑफ कर ले, तो उसके बाद knight takes b3, देन queen c7, और यहाँ इस वेरिएशन में बहुत कुछ एक्साइटिंग नहीं होने वाला है, गेम लगभग इक्वल ही रहेगी। लेकिन इक्वल या सिंपल गेम्स मिखाइल टाल तो खेलते ही नहीं हैं। उन्होंने यहाँ किया a5, और उनका इरादा यहाँ इस ए पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाने का है। तो पहले ही यहाँ वाइट को करना पड़ा bishop c4, लेकिन मिखाइल टाल ने अपने प्लानिंग के साथ काम किया a4, तो rook@d goes to g1, देन d5, तो e takes d5, bishop takes d5, ऑफरिंग एंड बिशप एक्सचेंज, तो bishop d3। अभी यहाँ बॉन्च ने बिशप एक्सचेंज नहीं किए, टाल ने यहाँ किया b3, और इस पॉन रेस में मिखाइल टाल ने अपने पॉन्स को वाइट के कैसल पॉन स्ट्रक्चर तक पहले पहुँचा दिया है। बॉन्च ने भी यहाँ अपने एच पॉन को आगे पुश किया h5, knight takes d3, देन c takes d3, तो e5 नाइट पर अटैक। तो अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए, उन्हें यहाँ शायद अपने नाइट को बचा लेना चाहिए था, f5 स्क्वायर एक अच्छा स्क्वायर हो सकता था। और अगर यहाँ से इस गेम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ब्लैक यहाँ कर सकता है rook c2, वो यहाँ पहले इस क्वीन पर अटैक बना सकता है, तो वाइट को यहाँ करना होगा queen e1, और ब्लैक को यहाँ माइनर एडवांटेजेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से बॉन्च ने अभी इस नाइट को नहीं बचाया, उन्होंने यहाँ किया g6, और टाल को यहाँ एक फ्री नाइट कहूँ या जो भी मिल रहा है तो वो क्यों छोड़ेंगे, उन्होंने यहाँ किया e takes d4, इस नाइट को लिया। और फ्रेंड्स, आखिर वाइट ने किन कैलकुलेशंस के साथ यहाँ ये नाइट सेक्रीफाइस किया है, क्या वो यहाँ g takes h7 चेक करना चाहता है? लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो king takes h7, देन bishop takes d4, और फिर वाइट का अटैक इस g7 पॉन पर होता, लेकिन ब्लैक यहाँ bishop f6 करके इस गेम के बैलेंस को बनाकर रख सकता था। लेकिन वाइट ने यहाँ अभी ये पॉन एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया queen g2, और उनका अटैक एक चेक के साथ डायरेक्ट चेकमेट करने का है। तो मिखाइल टाल ने यहाँ पहले किया bishop f6, और अब अगर यहाँ वाइट करे g takes h7 चेक तो कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं आएगा, king h8, ब्लैक यहाँ क्यों इस पॉन को लेगा, ये मूव ज़्यादा बेटर होगा, और अभी भी यहाँ ब्लैक का अटैक इस बिशप पर बरकरार है। और अगर वाइट यहाँ करे h6 तो ब्लैक यहाँ पहले कर सकता है g6, तो इस पूरे सीक्वेंस में ब्लैक ही फायदे में रहेगा। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से बॉन्च ने किया h6, और ये मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिखाइल टाल ने यहाँ किया f takes g6, तो h takes g7, और शायद इस पोजीशन में अगर हम लोग रहे होते तो इस g7 पॉन को ज़रूर अपने किंग से या फिर अपने बिशप से लेते, लेकिन अगर वाइट ने यहाँ अपनी क्वीन को h5 में प्लेस कर दिया
तो इस गेम का किस तरह से डिफेंस कर पाते। तो मिखाइल टाल ने यहाँ अभी इस G7 पॉन को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया रुक C2। उन्होंने यहाँ पहले वाइट की क्वीन पर अटैक बनाया, तो इस क्वीन का डिफेंस वाइट कैसे करे। वो यहाँ अपने बिशप को D2 स्क्वायर पर ले जाकर अपने बिशप को भी बचा सकता था और क्वीन पर भी डिफेंस कर सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ किया क्वीन H3। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ मिखाइल टाल का जादू शुरू होता है। मिखाइल टाल ने यहाँ किया रुक टेक्स B2 चेक और अपने रुक को सेक्रीफाइस कर दिया। क्या यहाँ वाइट इस रुक सेक्रीफाइस को ले सकता है? ऑब्वियस है कि मूव इंटेंशनल है, तो क्लियर बात है कि वाइट इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सपोज अगर वो यहाँ करे किंग टेक्स B2 तो उसके बाद E takes D3 चेक, इनफैक्ट डिस्कवर्ड चेक ऑन दिस किंग, और साथ ही साथ ब्लैक का ये पासर क्वीन बनने की बिल्कुल नज़दीक होगा। तो इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया किंग G1 और अब यहाँ ब्लैक एक चेक और दे सकता है, लेकिन मिखाइल टाल ने यहाँ किया रुक B1 चेक। चेक तो दी लेकिन फिर दोबारा अपने रुक को सेक्रीफाइस करके, और अब वाइट के सामने क्वेश्चन है कि वो इस रुक को कैसे ले, अपने रुक से या फिर अपने किंग से। अगर वो यहाँ करे रुक टेक्स B1 तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। ब्लैक यहाँ कर सकता है D takes E3 चेक, डिस्कवर्ड चेक ऑन दिस किंग, तो रुक B2, देन बिशप टेक्स B2 चेक, किंग टेक्स B2, क्वीन F6 चेक, किंग A3, क्वीन D6 चेक, किंग B2। वाइट इस किंग को कहीं भी ले जाए। अब ब्लैक के पास सारे सीक्वेंस फोर्स्ड हैं। ब्लैक अब यहाँ कर सकता है A3 चेक, तो किंग B1, B takes A2 चेक, और अब ये किंग कहाँ जाएगा, C1 स्क्वायर पर, तो उसके बाद A1 इक्वल्स क्वीन चेक, किंग C2, क्वीन C5 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वाइट यहाँ चेक मेट के इतने नज़दीक पहुँच चुका है। तो यहाँ इस पोजीशन से वाइट को इस रुक को अपने किंग से लेना पड़ा किंग टेक्स B1, तो B takes A2 चेक, और इस चेक से बचने के लिए वाइट को अपने किंग को मूव करना होगा C2 स्क्वायर पर, जो कि उन्होंने यहाँ किया भी, तो क्वीन C7 चेक। और अब ये किंग कहाँ जाए, अगर ये किंग D1 स्क्वायर पर जाए तो उसके बाद A1 इक्वल्स रुक चेक, किंग E2, क्वीन C2 चेक, तो बिशप D2, रुक E8 चेक। और इस चेक या इनफैक्ट चेकमेट से बचने के लिए वाइट यहाँ कर सकता है क्वीन E6 चेक, तो बिशप टेक्स E6, देन रुक टेक्स A1, ओके बिशप H3 चेक, किंग F2, क्वीन टेक्स D2 चेक, किंग G3, क्वीन G2 चेक, देन किंग F4, क्वीन G5 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स अगर ये गेम इस तरह से आगे बढ़ी होती तो एक काफ़ी शानदार किंग हंट हो सकता था, लेकिन यहाँ वाइट ने अपने किंग को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया, लेकिन फिर भी इसके बाद क्वीन C3 चेक, तो किंग E2, देन क्वीन C2 चेक, और इस चेक का सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है बिशप D2। और फिर वही फर्स्ट मूव जिसको अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, ब्लैक ने यहाँ किया रुक E8 चेक, तो अब वाइट को यहाँ करना ही पड़ा किंग F2, लेकिन इसके बाद क्वीन टेक्स D2 चेक, किंग G3, एंड फाइनल मूव फ्रॉम मिखाइल टाल बिशप E5 चेक। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद वॉइंश ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो वाइट के पास क्या मूव बचा है। वो यहाँ अब अपने किंग को सिर्फ और सिर्फ H4 स्क्वायर पर ही मूव कर सकता है, लेकिन क्वीन H6 चेक, तो किंग G4, देन क्वीन F4 चेक एंड इट्स अ मेट। फ्रेंड्स कितना शानदार किंग हंट है। यहाँ मिखाइल टाल ने ओपोनेंट के किंग को इस B2 स्क्वायर से निकाल कर यहाँ G4 स्क्वायर पर लाकर चेकमेट किया। फ्रेंड्स इस तरह के किंग हंट सिर्फ मिखाइल टाल ही कर सकते हैं, और उनके इस चेकमेटिंग कॉम्बिनेशन वेरिएशंस को समझना वाकई में बहुत मुश्किल है। मैं जितने भी वेरिएशंस इस वीडियो में बता पाया हूँ वो सही में इस गेम के लिहाज से बहुत कम है। यहाँ इस गेम में हम पता नहीं कितने सब वेरिएशंस और ज़्यादा निकाल सकते थे, लेकिन मैं सभी वेरिएशंस को इस वीडियो में नहीं डाल सकता था। खैर उम्मीद है जितना भी मैं इस गेम को एनालाइज कर पाया हूँ वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।